अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर कमिंग बैक। आज हम बनाएंगे KFC स्टाइल फ्राइड चिकन आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी में जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो हमारा है चिकन। चिकन आप ले लें 500 ग्राम्स, विदाउट स्किन लिया है हमने। ग्रीन गार्लिक सॉस, सोया सॉस, नमक, चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, विनेगर, मिल्क, चिकन पाउडर, सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मेंशन्ड है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चिकन पे कट्स लगा लें। मैरिनेशन से पहले कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे मिल्क, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और रेड चिलीज, या बेशक अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो बढ़ा दें इसकी क्वांटिटी, सॉल्ट, सिरका, सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसको 4 to 6 आवर्स के लिए मैरिनेट करना। मैरिनेशन इसकी टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी कोटिंग रेसिपी की तरफ। कोटिंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा 2 कप्स, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, रेड चिलीज और नमक एज पर योर टेस्ट। मैरिनेटेड चिकन को हम सबसे पहले अलहदा कर लेंगे। मैरिनेटेड चिकन का जो बैटर बचा है उसमें हमने ठंडा पानी डालना है। फ्रीज़र का चिल्ड वाटर होना चाहिए। मैदे में हम सबसे पहले बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और फिर हम इसमें नमक और लाल मिर्च ऐड करेंगे। मैदे के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने चिकन को सबसे पहले मैदे में कोट करना है। कोटिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, कवर करके फिर इसको आप इस ठंडे पानी में डिप कर दें। इसी तरह से सारा चिकन आप कोट करके ठंडे पानी में रख दें। फाइव मिनट्स के लिए आप सारे चिकन को ठंडे पानी में पड़ा रहने दें। उसके बाद हम इसको दोबारा से कोट करेंगे मैदे में। अब चिकन को आप इसको छान लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मैदा है वो सारा उतर जाए। देखिए कितनी प्यारी कोटिंग हो गई चिकन पे। इस तरह से आप सारा चिकन कोट करके रख लें। कोटिंग के बाद चिकन को 5 मिनट्स के लिए रख दें ताकि सेट हो जाए। चलिए अब हम मज़ेदार सा चिकन फ्राई करते हैं। फ्राइंग के लिए ख्याल रखिएगा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिकन फिर अंदर से प्रॉपरली गलेगा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी फ्लेम को बढ़ाएंगे। फ्राई होना शुरू हो गया, ऑयल हमारा गरम हो रहा है। हमने इसी फ्लेम से इसको पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अब आराम से हम इनकी साइड पलटेंगे, क्रिस्पी होना शुरू हो गया है।
जब चिकन प्रॉपर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल लें। देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। चिकन को निकाल लें, इसको आप डिप सॉस के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी फ्राइड चिकन हमारा रेडी हो गया, आप इसको इंजॉय करें। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।